गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 4 व्हिच इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल और रेक्टेंगुलर लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यानी अगर हम किसी एक रेक्टेंगुलर हमारे पास लूप है जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है, उसको जब भी हम प्लेस्ड करेंगे किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, देन अ टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय इट. And what will happen due to this torque, this coil or this loop will tends to rotate in that magnetic field. Okay, and the same principle is used for the galvanometer, the design or construction of galvanometer. We use the same principle that there is a rotation in the coil in galvanometer, so we get the deflection on the meter. Okay, so first we are taking this type of a rectangular loop which is PQRS. डायग्राम इम्पॉर्टेंट है. फिर यहाँ पर डायग्राम में वेरियस जो डायरेक्शंस हम डिस्क्राइब करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है. कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कहाँ कपल फॉर्म हो रहा है, उस कपल का टॉर्क हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट. उसी टॉर्क को हमें यहाँ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए डिस्कस करना. सो लेट अस सपोज दैट दिस वन इट इज अ रेक्टेंगुलर लूप. ठीक है, दिख रहा होगा एक रेक्टेंगुलर थ्री डायमेंशनल में समझाऊंगा मैं इस डायग्राम को. दिस इज द रेक्टेंगुलर लूप एंड दिस लूप इज प्लेस्ड लाइक दिस. ना तो ये ऐसे रखा है ना ये ऐसे रखा है हमने. ओके, ये इस तरह से प्लेस्ड है एंड यहां पर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है. दिस वन इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड हियर एट दिस साइड देयर इज अ साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट. ये दोनों दो मैग्नेट्स है, दे आर टू डिफरेंट मैग्नेट्स एंड इन दोनों डिफरेंट मैग्नेट्स के एक फर्स्ट के नॉर्थ पोल को हमने इधर रखा एंड साउथ पोल को इधर रखा. तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एट ऑल पॉइंट्स. ओके, मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस रीजन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स विल बी टूवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ. तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, देखो यहां भी बी की डायरेक्शन उधर ली है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी एंड इस पॉइंट पे भी. तो फॉर ऑल द पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स साउथ पोल और फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पोल. ओके, द सेकंड थिंग हम यहां पर इस जो रेक्टेंगुलर लूप ले रहे हैं इसकी जो ये साइड है दैट इज ए, स्मॉल ए, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस साइड ऑफ रेक्टेंगुलर लूप इज बी. So what will be the area of this rectangular loop, length into breadth, and it is A into B. So A into B will gives us the area of this rectangular loop. Also the current flowing in this loop is in this direction. जो current flow हो रही है वो इस direction में flow हो रही है. और हमने किया था इस तरह का एक टॉपिक कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की हमने बात की थी कि इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट एंड इसका भी एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है और उस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं. तो करंट की डायरेक्शन में अगर फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, अलोंग दिस स्ट्रेस थंब, और वो इसके परपेंडिकुलर इनवर्ड है, है ना. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को हम परपेंडिकुलर इनवर्ड लेंगे और उस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट स्मॉल एम वेक्टर उसको इस डायग्राम में बताया है. देखो इस डायग्राम में हमने क्या किया, इस ये जो लूप था ना इस लूप को इस तरह से प्लेस्ड किया है लाइक दिस, क्लियर. तो ये साइड देखो यहां पर ए आ रही है, मैंने कहा था ये जो छोटी वाली साइड है दिस इज ए और दिस साइड इज स्मॉल ए एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर है, इस डायरेक्शन में, है ना. जब हमने इस कॉइल को ऐसे रखा था तब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर था, इस डायरेक्शन में. सपोज मैं इस पेंसिल से बताता हूं, तो जब मैं इसको इस तरह से प्लेस कर दूंगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर आएगा. तो वो एम की डायरेक्शन देखो यहां पर आ रही है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ लूप. इस प्लेन ऑफ लूप के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इसी डायरेक्शन में. तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल राइट हैंड साइड में हमने शो किया है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड. एम वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा है, क्लियर. नाउ
हम यहाँ पर फोर पॉइंट्स लेते हैं। करंट की डायरेक्शन मैंने बताई इस तरह है, पी क्यू आर एस ये पॉइंट्स के नेम है यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम में। अब हमें इन सारे लूप्स को, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ना, इसको फोर डिफरेंट वायर्स कह सकते हैं जो एंड टू एंड जॉइंड है। ओके, वी कैन से दिस होल लूप इज कंसिस्ट ऑफ फोर डिफरेंट वायर्स। दिस इज फर्स्ट वायर, दिस इज सेकेंड वायर, दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन। इन चारों वायर्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा उस फोर्स की डायरेक्शन की हम बात करेंगे। और एक सिंगल अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है तो उस पर फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, ये हमने पढ़ रखा है आई एल क्रॉस बी, है ना, इतना फोर्स लगता है। इसको हमने डिराइव किया था दो पैरेलल वायर्स के लिए, हमने अट्रैक्शन और रिपल्शन की भी बात की थी। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग वायर। अब यहाँ एल वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। एल वेक्टर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में ही ली जाती है, ये ध्यान रखना। तो अब अगर मैं यहां पर सबसे पहले इस पॉइंट की बात करता हूं, इस वायर की किसी पॉइंट की, जैसे यहां पर हमने एक पॉइंट लिया है इसमें डायग्राम में, तो अगर मैं इस पॉइंट पर अगर बात करूंगा तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी, इट इज हेयर। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ एल, इट इज हेयर, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ जा रही है। देखो करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो करंट की डायरेक्शन इधर है और बी की डायरेक्शन यानी लेंथ की डायरेक्शन इधर है। एल वेक्टर हियर, बी वेक्टर हियर, तो एल क्रॉस बी किधर होगा, एल क्रॉस बी, एल टू बी। देखो पेन से समझाता हूं मैं इसको, दिस इज द वेक्टर एल एंड दिस इज द वेक्टर बी, क्लियर, दिस इज द वेक्टर एल, दिस इज वेक्टर बी। सो एल क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर इनवर्ड, L cross B will be perpendicular inward। तो वो force यहाँ पर F show कर रहे हैं, ठीक है? इसका जो diagram की जो pic है वो मैं तुम्हें अलग से send कर दूंगा, okay? इस diagram की जो pic है वो अलग से मैं send कर दूंगा ताकि और clear दिखे। अभी मैं इसको इससे ज्यादा बनाऊंगा तो board पे और कुछ नहीं लिख पाऊंगा, clear? So this is L, this is B and L cross B will be perpendicular inward for this point। यानी इस वायर पर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड लाइक दिस, है ना, अगर ये पोजीशन है तो। सिमी और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो यहां लेंथ कितनी है, इस वायर की लेंथ है बी, द लेंथ ऑफ दिस वायर इज बी, एंड एंगल बिटवीन एल एंड बी इज व्हाट, इट इज 90 डिग्री। लेंथ वेक्टर इस तरफ, बी वेक्टर इस तरफ, दोनों में एंगल कितना आया, इट इज 90 डिग्री, है ना, दोनों में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो यहां हम साइन 90 बनेगा, उसको वन कर देंगे। तो अगर मैं इस एफ का मैग्नीट्यूड लिखूं देन इट विल बी आई बी इनटू स्मॉल कैपिटल बी, आई बी बी विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स यहां जो लग रहा है, क्लियर। और क्यों, क्योंकि लेंथ है वायर की बी, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी, करंट आई और साइन 90 यहाँ वन हो गया। जो थीटा था यहाँ पर एल और बी में या बी वेक्टर और बी में वो 90 है, क्लियर। स्मॉल एम और कैपिटल बी का एंगल अलग है, उस एंगल की हम बाद में बात करेंगे। सो हियर दिस एंगल इज थीटा विच इज 90 डिग्री। नाउ पहले मैं इस सेकेंड वायर को ले लेता हूँ जो इसके जस्ट पैरेलल है, ठीक है, इस सेकेंड वायर को ले रहे हैं आर एस विच इज जस्ट पैरेलल टू दिस वन, इस तरफ ये वाला वायर। यहाँ करंट कैसे, देखो वर्टिकली डाउनवर्ड है, द करंट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, उसी डायरेक्शन में हम एल वेक्टर लेंगे। सो एल वेक्टर इज हेयर एंड बी वेक्टर इज हेयर फॉर दिस केस, एल वेक्टर इज हेयर एंड बी वेक्टर इज हेयर। सो एल क्रॉस बी इट विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, L cross B will be perpendicular outward। तो इसीलिए इस फोर्स को देखो हमने perpendicular outward show किया है, clear? और इसका भी जो magnitude होगा वो यही होगा IBB, क्योंकि यहां भी इस वायर की लेंथ कितनी है, स्मॉल b है, करंट I है, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चेंज नहीं होंगे जब हम इन फोर वायर्स की बात करेंगे जो बैक टू बैक जॉइंट है।
चेंज जो होगा वो इसकी लेंथ होगी। जब हम इन वायर्स पर जाएंगे तो इसकी लेंथ आएगी स्मॉल ए। सो फॉर दीज टू वायर्स द वन फोर्स इज परपेंडिकुलर इनवर्ड लाइक दिस एंड सेकेंड फोर्स इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये सिचुएशन है देखो इस तरह की, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर इनवर्ड और एक फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये दोनों फोर्सेस एक कपल फॉर्म करते हैं, इन दोनों फोर्सेस का पेयर एक कपल फॉर्म करता है। और कपल की तीन प्रॉपर्टीज मैंने 11th में बताई थी, हमने 7th चैप्टर जो 11th में किया था वहां हमने कपल और उसके मोमेंट की बात की थी। तो कपल किसे कहते हैं, जब दो फोर्सेस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। देखो यहां मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, आई बी बी, ठीक है, दोनों जस्ट अपोजिट हो। देखो ये दोनों जस्ट अपोजिट है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, अगर इस एंगल पे रखूं मैं इस लूप को। और तीसरा, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, दोनों अलग अलग लाइंस के अलोंग लग रहे हैं, है ना। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि ये दोनों फोर्सेस के पेयर यहाँ एक कपल फॉर्म करेंगे, और इसी कपल का जो मोमेंट है दैट विल बी गिव्स यू द टॉर्क। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टॉर्क लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो हमने फाइंड किया था, वहां भी हमने कपल यानी पेयर ऑफ फोर्सेस बताए थे और उसके मोमेंट को कपल का टॉर्क कहा था। और वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था वही हम फॉर्मूला यहाँ यूज लेंगे, और जो 11th में हमने यूज लिया है। सो दैट फॉर्मूला इज आइदर फोर्स, दोनों में से कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन, दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ कितनी आएगी उसको आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं, जो एक परपेंडिकुलर इनवर्ड है दूसरा परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, ये दोनों ही मिलकर एक कपल को फॉर्म करते हैं जिसके मोमेंट को हम टॉर्क कहेंगे। और टॉर्क क्या करेगा, इस वायर को रोटेट कराएगा इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इस करंट के कारण ये जो कॉइल है ये इस तरह से रोटेट होना शुरू हो जाती, ओके लाइक दिस। और इसी रोटेशन के बेस्ड पर हम गैल्वेनोमीटर को डिजाइन करते हैं कि ये अगर रोटेट हो रही है इसके साथ अगर एक पॉइंटर लगा दें, मान लो यहाँ पॉइंटर लगा तो पॉइंटर भी रोटेट होगा, तो पॉइंटर रोटेट होगा तो हमें एंगल की फॉर्म में एक डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। और इसी बेस पर वोल्टमीटर और अमीटर भी वर्क करते हैं, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे उसको, क्लियर। अब बात करते हैं इन वायर्स पर फोर्सेस की, कि ये जो वायर थे QR और SP, इन दोनों वायर्स पे फोर्सेस किस डायरेक्शन में और किस मैग्नीट्यूड में। मान लेते हैं सपोज दैट दिस फोर्स इज F', यहां देखो मैंने F' लिखा है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अलग है कंपैरेटिव टू दिस वन, इनके कंपैरिजन में। अब अगर मैं इस F' की बात करूं तो लेंथ किधर आ रही है, इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ लेंथ। तो L क्रॉस B किधर आएगा, वर्टिकली अपवर्ड, L क्रॉस B वर्टिकली अपवर्ड। तो ये F' फोर्स जो लग रहा है ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और अगर मैं इस F' का मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो F' क्या होगा, करंट वही, यहां पर लेंथ कितनी है वायर की, स्मॉल a, ओके, लेंथ ऑफ द वायर इज स्मॉल a एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अगेन B, I एंड B इज कॉमन फॉर द होल पार्ट ऑफ दिस लूप। सो दिस ए जो है यहां पर ये चेंज हो जाएगा और ए की वैल्यू यहां हमने लेस ली है कंपैरेटिव टू बी, बी ग्रेटर है ए के कंपैरिजन में। सो एक फोर्स जो ऊपर वाले वायर पर लग रहा है वो है वर्टिकली अपवर्ड। अब बात करते हैं नीचे वाले वायर की, तो ये जो वायर है अपने पास में दिस वन, इसमें लेंथ की डायरेक्शन इधर होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऐसे है तो इसकी वायर की लेंथ की डायरेक्शन इधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड इज हियर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज हियर। तो L क्रॉस B, अगर हम यहां L क्रॉस B फाइंड करें, दिस इज L एंड दिस इज B, सो L क्रॉस B विल बी, जस्ट अ मिनट, ये है हमारे पास में वेक्टर L एंड दिस इज वेक्टर B, इस तरह से ऐसे समझना, ठीक है, दिस इज वेक्टर L, दिस इज वेक्टर B, L क्रॉस B विल बी इन दिस डायरेक्शन। देखो
ये एल वेक्टर है जो इधर है और ये बी वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में, तो एल से बी जब रोटेट करेंगे फिंगर्स को तो इट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड, इट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इस एफ डैश की वैल्यू इस वायर के लिए वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। ओके, यानी कुल मिलाकर ये जो पोर्शन है ये ऊपर की तरफ अट्रैक्ट या ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है इस पर, इस पोर्शन पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और दोनों ही अपोजिट है और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं एफ डैश दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जब कैंसिल आउट करेंगे तो इनका ओवरऑल इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा, सो दे विल नॉट प्ले एनी रोल इन द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, जो हम फाइंड करना चाहते हैं टॉर्क उसके एक्सप्रेशन में एफ डैश का यहां पर कोई भी रोल नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डायग्राम कि हमें सबसे पहले तो दो मैग्नेट्स बनानी है, उन मैग्नेट्स के इनसाइड या बिटवीन द मैग्नेट्स जो रीजन है वहां मैग्नेटिक फील्ड को बी लिखना है जो हर पॉइंट पर टूवर्ड्स राइट हैंड साइड होगा, करंट की डायरेक्शन हमें लेनी है इस तरह से पी क्यू आर एस की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा इस केस के लिए, इस पॉइंट पर फोर्स लगेगा इधर है ना यहाँ पर एक्चुअली इस तरफ और इस पर लगेगा इनवर्ड, यहाँ लगेगा अपवर्ड यहाँ लगेगा डाउनवर्ड, ये दोनों तो कैंसिल आउट कर देंगे और ये दोनों फोर्सेस के पेयर जो है वो यहाँ पर टॉर्क अप्लाई करेंगे और उसी टॉर्क से ये रोटेट होगी, तो इस टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना। तो एक बार अभी तक हमने जो समझा है उसको नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद में इस डायग्राम में आते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैसे फाइंड करें। क्लियर, सो नोट डाउन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस केस कंसीडरिंग, अगर किसी को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क, कंसीडरिंग अ रेक्टेंगुलर लूप PQRS of sides A and B in which current I is produced, current I is flowing. This loop is placed in a uniform magnetic field, uniform magnetic field B, okay, as shown in figure 1, ठीक है, current की direction भी हमने figure 1 में show कर रखी है, the area of loop is या loop will be capital A equals to A into B, let it is equation number 1, हम इसको use लेंगे आगे expression में कि A और B का जो product है that will gives you the area of the loop. Second, the wire या the rectangular loop can be consist of four wires PQ, QR, RS and SP, four wires से consist है हम ऐसा कह सकते हैं, clear? तो can be consist of the four wires PQ, QR, RS and SP. The direction of forces acting on, पहले F dash की बात कर लेते हैं, QR and SP wires are vertical, या इसको हम upward लिख लेते हैं, ठीक है, upward एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके,
द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन क्यू आर, इस पर जो फोर्स लग रहा है, एंड दिस एस पी, इस पर जो फोर्स लग रहा है, दे आर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रेस्पेक्टिवली. ओके, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल. अब यहां उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हमने डायग्राम में उसको समझा दिया. बस ध्यान रखना डायग्राम में कि अपवर्ड और डाउनवर्ड क्यों हुआ, हमने राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया है. और इसी का जो मैग्नीट्यूड है, एक बार नोट कर लो, यहां तक रफ करता हूं मैं इसे, टेक द स्क्रीनशॉट. The magnitude of this force, is F dash equals to I A capital B. Equation number 2. Clear? यहां इस force का जो magnitude है Q R और S P पर, वो क्या है? I A capital B. A इसकी side है, यहां पर A और B perpendicular है ना, इसकी जो एरिया वेक्टर या इसकी जो लेंथ वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, दे आर परपेंडिकुलर. इसलिए हमने यहां पर इसको साइन 90 को 1 किया है. क्लियर? एंड दीज फोर्सेस, सिंस लगा लो, सिंस दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर. So they cancel out each other. ये दोनों जो forces हैं, ये कैसे हैं? Equal और opposite. इसलिए क्या करेंगे? एक दूसरे को cancel out कर देंगे. So इनका role यहाँ खत्म हो गया. केवल diagram में समझा कर, उसको equal opposite show करके हम ये बता सकते हैं कि अब हमें इनको नहीं consider करना for the further derivation. Now we talk about the forces on P, Q and R, S. Now the force या फोर्सेस एक्टिंग ऑन वायर्स पी क्यू एंड आर एस आर परपेंडिकुलर, यहां पर क्या है, पी क्यू पर इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर आउटवर्ड रेस्पेक्टिवली. क्लियर? एक है परपेंडिकुलर इनवर्ड, एक है परपेंडिकुलर आउटवर्ड. अब देखो, जब ये टर्न होगी ना, रोटेट होगी ना, इस तरह के फोर्सेस हैं ये, लाइक दिस, सॉरी ऐसे. तो जब ये रोटेट होगी ना, तो एक कंडीशन ऐसी भी तो आएगी, जब ये ऐसे रहे तो उस समय हम कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर इनवर्ड है और ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड. इन दिस केस एक्चुअल में यहां पर ये जो है ना सिचुएशन ये है. अब इसको हम एग्जैक्ट किस एंगल पर गए हैं, क्या गए हैं, कुछ नहीं बता सकते. तो इसको मैंने इस सिचुएशन में लेके फिर लिखा है कि एक परपेंडिकुलर इनवर्ड है, एक आउटवर्ड है. ये दोनों कैंसिल नहीं करेंगे, ध्यान रखना. ये कैंसिल कब करते? जब ऐसे होते. ये अगर डायरेक्शन होती ना इनकी, तो कैंसिल आउट करते इक्वल मैग्नीट्यूड के, कि ये वायर इधर पुल हो रहा है, ये है, तो ये कैंसिल आउट करते, जैसे यहां पर कर रहे थे. यहां पर सिचुएशन ये है ना, ऊपर और नीचे वाले वायर पर, तो ये कैंसिल आउट कर रहे हैं. लेकिन ये जो दोनों फोर्सेस का पेयर है, ये कैंसिल आउट नहीं करेगा, ये एक कपल फॉर्म कर रहा है ना, एक टॉर्क एक्सर्ट करेगा कपल. सो इसीलिए हम इनको कैंसिल आउट नहीं मानेंगे. क्लियर? सो दे आर परपेंडिकुलर इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर आउटवर्ड रेस्पेक्टिवली. ये 4 लाइंस रफ कर रहा हूं मैं, 5 लाइंस. The magnitude of these forces are, sorry, magnitude of these forces is F is equals to, उसको F dash कहा था, इसको F कह रहे हैं, I B into capital B. And this is the equation number 3. This is the magnitude of either force. दोनों में से कोई भी एक force ले लो, equal है magnitude में. So the magnitude of each forces या these forces is IBB. हमने ये दोनों formula find कहाँ से किए हैं? वो भी अगर आप लिखना चाहो, तो एक point में लिख सकते हो, since FB is IL cross B.
और एल की डायरेक्शन को हम आई की डायरेक्शन में लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट से इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर राइटिंग दीज टू एक्सप्रेशंस ऑफ इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री। और यहां हर केस में एल परपेंडिकुलर है बी के, ठीक है, एल यहां परपेंडिकुलर है बी के। और दूसरा, राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शन देते हैं, फॉर डायरेक्शन वी यूज राइट हैंड थंब रूल। सो नोट डाउन अप टू दिस वन। Now these pair of forces along PQ and RS will form a couple। अब यहां कपल की प्रॉपर्टीज लिखने की जरूरत नहीं है, है ना, लेकिन तुम्हें पता होनी चाहिए। ये वाइवा के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वाइवा में भी गैल्वेनोमीटर हम कई इंस्ट्रूमेंट्स में यूज लेते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट की गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन पूछी जाती है और उसकी प्रिंसिपल को पूछा जाता है। सो इफ यू इफ समवन आस्क्स व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, देन यू विल से दैट इफ वी आर हैविंग अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड विच टेंड्स टू रोटेट दैट पर्टिकुलर लूप और द कॉइल। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सो दिस टाइप ऑफ, वहां ये भी पूछ सकते हैं कि टॉर्क कितना लगता है, तो टॉर्क का हम एक्सप्रेशन यहाँ डिराइव करेंगे और उस टॉर्क में एक एक टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, और आगे जो हम गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे वहां भी हम इसको यूज लेंगे। ओके, इसका जो एक्सप्रेशन है टॉर्क का जो मिलेगा दैट विल बी फर्दर यूज इन द नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर टॉपिक। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। So it form a couple। वापिस बता देता हूँ, कपल तीन प्रॉपर्टीज रखता है, फोर्सेस का पेयर मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट एंड लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट, तो हम उसको कपल कहते हैं। ओके, सो इन दिस सिचुएशन दे फॉर्म द कपल एंड द मोमेंट ऑफ कपल, और जिसको हम क्या लिखते हैं, टॉर्क, will be given as या given by tau equals to, अगर मैं उसका magnitude लिखूं, है ना, moment of couple और torque का अभी हम magnitude लिख रहे हैं। so magnitude का formula क्या है, what is the formula, either force and multiply by perpendicular distance between lines of action। सेम फॉर्मूला वी यूज फॉर क्लास 11 चैप्टर 7 एज वेल एज इन फर्स्ट चैप्टर, जहां हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क फाइंड किया था, तो इसलिए याद होना चाहिए फॉर्मूला आपको। नाउ फोर्स तो हमें पता है कि फोर्स कितना है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें अभी नहीं पता, तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करें, उसके लिए हमने ये सेकेंड डायग्राम ड्रॉ किया है। ओके, तो मैंने जैसा अभी बताया कि इफ दिस इज द रेक्टेंगुलर लूप हियर देन वी जस्ट प्लेस्ड दिस लूप इन दिस डायरेक्शन, यहां पर फोर्सेस की डायरेक्शन क्या थी, लाइक दिस, है ना, इस तरह से फोर्सेस थे ये। अब यहां जब आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इसको ऐसे टर्न किया है, इट इज टर्न लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे तो एक वर्टिकली अपवर्ड शो करेगा, एक डाउनवर्ड, तो ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये वही एफ फोर्सेस हैं जो हम इस पॉइंट और इस पॉइंट पर जो बात कर रहे हैं, एफ डैश नहीं है, ध्यान रखना। और इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी आएगी, ये वाली डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फर्स्ट फोर्स, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेकेंड फोर्स एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसको समझना, ए साइड तो है ही, इस साइड को हम ले रहे हैं, दिस इज द साइड ए, जो मैंने यहां भी मेंशन की थी, पी एस के इक्वल,
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहाँ है, परपेंडिकुलर टू दिस लूप, है ना। ये अगर लूप है यहाँ पर, तो इस लूप के जस्ट परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में यहाँ एम लिया है हमने, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। एंड वी सपोज दैट द एंगल बिटवीन एम वैक्टर एंड बी वैक्टर इज थीटा, दिस एंगल इज वी आर टेकिंग थीटा। ये थीटा 90 नहीं है, वो अलग एंगल था जो एल और बी के बीच में हम ले रहे थे। दिस एंगल इज थीटा, इट इज वेरिएबल। जब ये रोटेट होगी ना, जब ये कॉइल रोटेट होगी तो ये थीटा चेंज हो रहा होगा। जैसे सपोज करो कि अगर हम यहां पर लेते हैं इसको एम वैक्टर को, तो थीटा 90 है ना, यहाँ बी है और यहाँ एम है, थीटा 90 है। अगर ये ऐसे हो जाए तो थीटा जीरो हो जाएगा, है ना, एम भी इधर और बी भी इधर, थीटा इज जीरो। यहां लेंगे तो थीटा अगेन हम इसको 90 कह सकते हैं, क्लियर। उधर 170 कह दो, 270 कह दो, चलो इधर 90 ले लेते हैं, और यहां अगर लेंगे तो इट विल बी व्हाट, इट इज 180। तो इस पर अलग अलग एंगल्स चेंज होंगे जब ये रोटेट होगी। तो रोटेशन का मतलब ये होता है एंगल का चेंज होना, और वो एंगल कौन सा चेंज हो रहा है, ये थीटा चेंज हो रहा है। एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है जो चेंज होगा। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, तो हमने 11th में भी एक प्रॉपर्टी ज्योमेट्री की यूज ली थी, एंड दैट प्रॉपर्टी इज, क्या प्रॉपर्टी थी वो, कि व्हेनेवर वी आर हैविंग अ डायरेक्ट एंगल थीटा बिटवीन टू डायरेक्शंस, तो उसकी जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शंस भी थीटा एंगल पर होती है। ओके, दो डायरेक्शंस में एंगल अगर थीटा है तो उसकी जस्ट परपेंडिकुलर, इसकी परपेंडिकुलर और इसकी परपेंडिकुलर, इन डायरेक्शन में एंगल थीटा मिलता है। चैप्टर 5 में 11th में लिया था हमने, जब एंगल ऑफ रिपोज हम फाइंड कर रहे थे, या बैंक रोड वाला जब डेरिवेशन किया था, तब हम इस प्रॉपर्टी को यूज लेते थे, और वहां इसको मैंने प्रूव भी किया था। तो हमें यहाँ पर इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर कैसे हुई, ये एंगल थीटा कैसे आया यहाँ पर, इसको समझना। तो यहाँ एम वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर, इस साइड के परपेंडिकुलर, और बी वेक्टर है इस साइड के परपेंडिकुलर, है ना। बी इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ऑफ एक्शन एंड एम इज परपेंडिकुलर टू दिस साइड। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा मिलेगा। ऊपर वाला एंगल है थीटा, यहाँ ध्यान रखना, ये एंगल थीटा नहीं है यहाँ, इट मे बी डिफरेंट। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस साइड इज ए, तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल में बताया है कि एंगल वाली साइड हमेशा ए साइन थीटा होती है, एंगल के सामने वाली साइड। ओके, द साइड इन फ्रंट ऑफ द एंगल थीटा इज ए साइन थीटा, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं इस ट्राइंगल का, और परपेंडिकुलर ए साइन थीटा मिलता है। एंड दिस ए साइन थीटा विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइंस ऑफ एक्शन। तो यहां हमें ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूले में यूज लेनी है, दैट विल बी ए साइन थीटा, और जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो आई बी बी हम यूज ले लेंगे, तो उससे हमें टॉर्क मिल जाएगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड। ओके, सो द मीटिंग इज अबाउट टू ओवर, सो रीजॉइन द मीटिंग अगेन, देन वी विल कंटिन्यू। टू ये इक्वेशन 3 याद रखना, आई बी बी, वी विल यूज दिस इक्वेशन। नाउ हियर ये जो फोर्स है, फोर्स इसको तो हम ले लेंगे आई बी बी, एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैन बी फाइंड यूजिंग फिगर 2। लेट थीटा इज एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा क्या है यहां पर, एंगल है एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। सो इफ थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर एम एंड वेक्टर बी, देन फ्रॉम फिगर, अब ज्यादा फिगर को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए साइन थीटा। क्लियर, ये साइन थीटा कैसे हुई वो मैंने डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट उस डायग्राम को एक एक पॉइंट को हमें इलुस्ट्रेट करना या इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं। सो जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, ये प्रॉपर होना चाहिए, और फिर हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर 2 द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए साइन थीटा।
बस एक थीटा क्या है यहाँ पर वो डिफाइन कर दो और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है वो डिफाइन कर दो. क्लियर? सो वी आर हैविंग बोथ दीज एक्सप्रेशन फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस. जस्ट मल्टीप्लाई देम टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क. सो नेक्स्ट वन इज राइट डाउन अप टू दिस वन. आई एम गोइंग टू रफ. So finally the torque, therefore the torque will be I small b capital B and A sine theta. Okay, this is the torque and we can also write it like this I into AB times of capital B sine theta. AB is what? From equation 1 it is capital A B sine theta. ओके आगे लिख लेता हूं. सिंस आई इज सॉरी ए एरिया जो है यहां पर ये ए और बी का प्रोडक्ट है और तुम्हें याद होगा करंट और एरिया का प्रोडक्ट हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लेते हैं. कलोरल टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछा था मैंने ये. तो करंट और एरिया का प्रोडक्ट क्या होता है? स्मॉल एम. मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्मॉल एम फॉर सिंगल टर्न और सिंगल लूप. सो दिस कैन बी रिटन एज इट इज एम बी साइन थीटा. ओके आगे लिख लेना. सिंस एम इज वॉट इट इज करंट इन टू एरिया. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क. है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टॉर्क के मैग्नीट्यूड को. नाउ इफ अगर हम इसकी डायरेक्शंस की बात करें देन वी नो दैट दिस एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एम एंड वेक्टर बी. और अगर हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं टॉर्क का एम बी साइन थीटा तो ऑब्वियसली हमें पता है कि साइन थीटा कौन से प्रोडक्ट में आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में. डॉट प्रोडक्ट में कॉस लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन लेते हैं. तो दिस विल बी रिटन इन वेक्टर फॉर्म एज एम क्रॉस बी हैविंग द मैग्नीट्यूड एम बी साइन थीटा और डायरेक्शन हो जाएगी एम कैप. उसकी हम आगे बात करेंगे कि किस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा. सो इन वैक्टर फॉर्म this torque vector is given as m vector cross b vector. okay, ये वैसा ही है जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क को फाइंड किया था. अगर तुम्हें याद हो वो इक्वेशन टॉर्क को हमने लिखा था p cross e से. है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल होता है उस पर टॉर्क लगता है p cross e और यहां पर p vector रिप्लेस हो रहा है m से और E वेक्टर रिप्लेस हो रहा है B से. तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म में जाते हैं तो कुछ हमें चेंजेस करने पड़ते हैं फॉर्मूला में. और यहाँ हमें पता है टॉर्क तो वही रहेगा, B चेंज होगा M में, E चेंज होगा B में. तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है फर्स्ट चैप्टर का तो आप इस फॉर्मूले को भी इजिली याद कर सकते हो. ओके, मैं एक लिस्ट शेयर करूंगा इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म में जब हम शिफ्ट होते हैं किसी फॉर्मूला को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, किस सिंबल को किस सिंबल में कन्वर्ट करते हैं. तो दैट विल शेयर इन द ग्रुप. ओके, तो वहां उसको एक बार एनालाइज कर लेना कि हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला मैग्नेटिज्म का लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? सो अब यहाँ हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इज अगेन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. क्योंकि एम वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है एंड क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमेशा हम राइट हैंड थंब रूल से देते हैं. सो इफ दिस इज द वेक्टर एम, अगर मैं इसी कॉइल में बताऊं तो इधर है वेक्टर एम और इधर है वेक्टर बी. क्लियर? अब अगेन या तो इमेजिंग करो या चलो बता देता हूं, दिस इज वेक्टर एम, दिस इज वेक्टर बी. सो व्हाट विल बी एम क्रॉस बी? द एम क्रॉस बी विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड. है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड होगा और इस एम क्रॉस बी के कारण ये जो रोटेशन है वो इस तरह का होगा, क्लॉकवाइज होगा ऊपर से ऑब्जर्व करने पर. और इसीलिए अगर तुम इस डायग्राम में देखो तो एक डायरेक्शन बताई है मैंने टॉर्क की या रोटेशन की. तो ये रोटेट कैसे होगी कॉइल, ध्यान देना, दिस कॉइल विल रोटेट लाइक दिस, ऊपर से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है. क्लियर? तो अगर इसकी पोजीशन ये है तो इस तरह से रोटेशन होगा इस कॉइल का इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लियर? सो दिस
The direction of torque is vertically downward for this diagram, and the coil will rotate in clockwise sense when viewed from the upper side. Clear? तो ये हम यहाँ direction की बात कर लेंगे. The direction of torque according to ACC pen, according के लिए लिखा है. According to right hand thumb rule, is perpendicular या sorry vertical downward and the rotation is clockwise from upper side. ओके जो रोटेशन होगा इस टॉर्क के कारण वो अपर साइड से क्लॉकवाइज होगा. टॉर्क करता क्या है? टॉर्क टेंड टू रोटेट द कॉइल. एक लाइन लिख लेना यहां पर, टॉर्क टेंड्स टू रोटेट दिस लूप. लूप लिख लेते हैं यहां पर क्योंकि हम इसको लूप कह रहे हैं शुरू से. ओके अब कॉइल किसे कहते हैं? बहुत सारे टर्न्स हो, है ना, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, तो उसको हम एक कॉइल बोल देते हैं. तो अगर हम जब गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे ना तो सिंगल टर्न नहीं होगा, वहां एन टर्न्स होंगे. तो एन टर्न्स अगर है तो उसमें चेंज क्या होता है? स्मॉल एम चेंज हो जाता है. स्मॉल एम को हम एन आई ए से लिखते हैं, जहां एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स. तो यहां भी अगर इस फॉर्मूले में एम को एन आई ए लिखोगे तो एन आई ए भी साइन थीटा टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा, which we use in the galvanometer. तो वो फॉर्मूला भी मैं लिखवा देता हूं एक बार, यहां तक नोट कर लो. नोट डाउन अप टू दिस वन. फॉर n turns in the loop, this m will be what? Nia, and the magnitude of torque will be Niab sin theta. Okay, it will be Niab sin theta. जिसको जहां हम इसको tau max कह सकते हैं, maximum value कैसे आती है वो देखो next में. If theta is 0 degree, अगर theta 0 है तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा विल बी जीरो. एंड इफ साइन थीटा इज जीरो देन टॉर्क विल आल्सो जीरो. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम टॉर्क. जब टॉर्क लग ही नहीं रहा है यानी वो रेस्ट में, रोटेट हो ही नहीं रही. ट्रांसलेशनल मोशन तो यहां पर है नहीं, इसका केवल रोटेशनल मोशन है. और ये रोटेशनल मोशन होगा नहीं जब थीटा जीरो हो. यानी थीटा जीरो का मतलब क्या हुआ कि ये इस सिचुएशन में B भी उधर, M भी उधर, है ना, M भी उधर, B भी उधर, या 180 हो तब भी यही होगा क्योंकि साइन 180 भी जीरो होता है. सो आइदर इट इज इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, इन बोथ द केसेस द टॉर्क विल बी जीरो. इसीलिए हम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कह सकते हैं. और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है इसकी, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए कहा था. ओके सो दिस थीटा जीरो इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम. और स्टेबल और अनस्टेबल में क्या डिफरेंस है ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में समझा रखा है. ओके जिसका लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड है. सिमिलरली इफ थीटा इज 90 देन साइन थीटा विल बी व्हाट? इट इज 1. इफ थीटा इज 90 देन साइन थीटा विल बी 1. एंड इफ साइन थीटा 1 देन द टॉर्क विल बी व्हाट? इट इज आई ए बी. अभी हम जो ले रहे हैं वो सिंगल टर्न के लिए ले रहे हैं, है ना, सिंगल टर्न के लिए लिख रहा हूं. ये तो एक स्पेशल केस था. तो जो हमने एक्चुअल में डेरिवेशन किया इस केस के लिए उसके लिए बता रहा हूं. सो दिस टॉर्क इज मैक्सिमम टॉर्क. मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? जब इस कॉइल की पोजीशन इस तरह से है, यानी एम इनवर्ड है और बी इधर है, लाइक दिस, इस तरह से, है ना, एम तो अंदर की तरफ है और बी इस तरफ है. तो थीटा 90 हुआ, और थीटा अगर 90 है तो वहां हम कहेंगे टॉर्क विल बी मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला.
यानी सबसे ज्यादा जो रोटेशन की जो एबिलिटी होगी यहाँ पर वो इस वैल्यू पर होगी जब टॉर्क कितना लग रहा है, आई ए बी लग रहा है, या थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री। सो दीज आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द टॉर्क। और यहाँ पर ये एक तरह से मैक्सिमम टॉर्क में सबसे ज्यादा मूवमेंट करने की टेंडेंसी रखेगी, इसीलिए हम इसको मैक्सिमम टॉर्क कह रहे हैं। टॉर्क का काम है रोटेट करना, और रोटेट मैक्सिमम किस वैल्यू पे होगा, वो आई ए बी वैल्यू पर होगा जब थीटा कैसा हो 90 डिग्री। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शंस का ध्यान रखना, ये दोनों डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो इन दोनों डायग्राम्स को अच्छे से एक बार देख लेना। जब कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू द व्हाट्सएप, मुझे पूछ लेना कि इसमें क्या चीज नहीं तुम्हें समझ में आई, क्लियर। और ये टॉर्क का एक्सप्रेशन याद रखना, एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा, लेकिन एम क्या है यहाँ पर, एन आई ए है अगर n टर्न्स है तो, और अगर सिंगल टर्न है तो इट इज i into a. a is what area of this rectangular loop. तो सेम प्रिंसिपल वी विल यूज इन केस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, क्लियर। बट उसको हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम कम है।